हेलो फ्रेंड्स, कुलदीप जैन ऑफिशियल में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं कुलदीप आपका आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा ITI TO की भर्ती निकाली गई है, उसके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। उसी सिनेरियो में आज मैं पुनः आपके सामने GK GS के 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आने वाली परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बनी रहिए। वीडियो को देखने के बाद आपको एग्जाम का पैटर्न और क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल को समझने में मदद मिलेगी और आपको टॉपिक समझने में मदद मिलेगी कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 7 नवंबर 2016 की जो सेकंड चैप्टर है उसके पेपर देखेंगे और उसके रियल क्वेश्चन को देखेंगे और हम उसको एनालिसिस भी करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रेड से संबंधित सारे क्वेश्चन हम अपलोड कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आगामी जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हर साल विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हर साल मनाया जाता है। 5 जून सन 1974 को इसको पहली बार मनाया गया था। 5 जून 1974 से विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अच्छा यहाँ पे 15 जनवरी भी एक ऑप्शन में है, तो 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सेना दिवस आर्मी डे कब मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्थान में भारत सरकार द्वारा परम ईशान सुपर कंप्यूटरिंग सुविधा का आरंभ किया है? परम ईशान सुपर कंप्यूटरिंग सुविधा का आरंभ किया गया है IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी में परम ईशान कंप्यूटरिंग सुविधा का आरंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जगह मध्य प्रदेश में नहीं है? तो मध्य प्रदेश में आपको असीरगढ़ का किला देखने को मिल जाएगा, गिन्नौरगढ़ का किला देखने को मिल जाएगा और कुंडार देखने को मिल जाएगा। मांगी तुंगी ये देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका सही आंसर है मांगी तुंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बिहार में के एक जिले में भित्ती चित्रण का एक प्रकार है? बिहार के एक जिले में भित्ती चित्रण का एक प्रकार है, तो जो मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग बिहार की पेंटिंग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग। और मधुबनी पेंटिंग के लिए बिहार के लिए GI टैग भी दिया गया है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश पहले जैसा कैसे जाना जाता था? तो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश का जब इतिहास पढ़ते हैं, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखी है चैनल पर, 1947 की स्थिति, 1956 की स्थिति, ये सारी चीजें हैं। तो मध्य प्रदेश में पहले पार्ट ए, पार्ट बी, सी और भोपाल रियासत, इनको जोड़ करके मध्य प्रदेश बनाया जाता था। तो पहले मध्य प्रदेश को जाना जाता था मध्य प्रांत और बरार क्षेत्र के रूप में, मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस और बरार के रूप में मध्य प्रदेश को जाना जाता था। ये हम जब इस मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होता है? राष्ट्रीय ध्वज की पहले पूछी है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, तो इसको याद रखना है आपको 2:3 ना कि 3:2, याद रखना है। उन्होंने पूछा है पहले चौड़ाई पूछी और फिर लंबाई, तो चौड़ाई होती है 2 और लंबाई होती है 3। वैसे ही अगर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछे तो 2:3 होता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में नहीं पूछा है, क्या पूछा है? 2:3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौड़ाई और लंबाई का अनुपात होता है 2:3। इसको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। भारत की सबसे बड़ी अलवणीय झील है, अलवणीय झील मतलब मीठे पानी की कौन सी झील है? बुलर झील है। और ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में ये बुलर झील है। चिल्का झील कहाँ पर मिलेगी आपको? ओडिशा में मिलेगी चिल्का झील, और ये खारे पानी की झील है। डल झील ये जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगी। तो पूछिए अलवणीय झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में बुलर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में तानसेन समारोह कहाँ पर स्थित होता है? तो तानसेन समारोह, सबसे पहले तो तानसेन कहाँ से संबंधित थे? ग्वालियर से संबंधित थे। तो जब तानसेन ग्वालियर से संबंधित थे तो तानसेन समारोह कहाँ पर होगा? ग्वालियर में होता है। या दोस्तों याद रखना, ये रियल क्वेश्चन है, 2016 की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। इनमें से कौन सा हवाई अड्डा कुशोक बकुला रिम्पोचे के नाम से जाना जाता है?
तो जो लेह लद्दाख का जो हवाई अड्डा है उसको उसको कुशोक बकुला रिम्पोच हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का खालिस्तान, तो राज्यसभा के सदस्यों का चयन राज्य विधानसभा के चयनित सदस्यों द्वारा किया जाता है, तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। विकल्प सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वीडियो जबरदस्ती में लंबी हो जाती है, इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसका आंसर बताता हूँ, जिसमें डिस्कस करने वाली चीजें होती हैं तो उसको मैं बता देता हूँ। सारे ऑप्शन पढ़ेंगे तो टाइम इसमें ज्यादा वेस्ट होता है। तो पूछा है राज्यसभा के सदस्यों का चयन राज्य विधानसभा के चयनित सदस्यों द्वारा किया जाता है, राज्य विधानसभा के चयनित सदस्यों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वह अंडमान निकोबार है। अगर राज्य की पूछें तो राज्य कौन सा है, तो वह है राजस्थान। और सन 2000 के पहले की बात करें तो मध्य प्रदेश 2000 से पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैजीफेरा इंडिका का साधारण नाम क्या है? मैजीफेरा इंडिका का साधारण नाम है ये आम, और ये हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय फल है, मध्य प्रदेश का राजकीय फल है। इसकी वीडियो में ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं मेरे चैनल पर, आप जाकर के मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान में ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तुविद एडविन लुटियन द्वारा परियोजित भारतीय शहर कौन सा है? तो लुटियन ने कौन से शहर को बसाया था? नई दिल्ली। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि लुटियन को किसने लूटा, नई दिल्ली ने लूटा। एक और आता है, ली कार्बूजियर ने कौन सा शहर की स्थापना की थी? तो ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ की स्थापना की थी, इस शहर को बनाया था। निम्न में से कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? तो बांसुरी वादक थे हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया जी एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1875 में ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर कर्नल नेविल चैम्बरलेन द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस इंडोर खेल की शुरुआत इंडोर खेल की खोज की थी? तो इन्होंने स्नूकर जो खेल है इसकी खोज 1875 में की थी। ये क्वेश्चन सारे आए हुए क्वेश्चन है। तवा किस नदी की उपनदी है, मतलब तवा किस नदी की उपनदी है? तो तवा नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है। कौन सी नदी? तवा। निम्न में से कौन कैसा चांद बना देती है के रचयिता है? निम्न में से कौन कैसा चांद बना देती है के रचयिता है, मतलब कौन कैसा चांद बना देती है यह किसने लिखी है? तो इसके जो लेखक हैं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी इनके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1961 में भारत के किस हिस्से को पुर्तगाली शासनकाल से विमुक्त किया था? तो याद रखना है 1961 तक जो गोवा है वह पुर्तगाल के शासनकाल में आता था। आजादी के 14-15 साल बाद भी गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था, लेकिन 1961 में गोवा से पुर्तगालियों का अधिकार छीन लिया गया और उसको भारत में विलय कर लिया गया, तो इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कहां भारत का अखबारी कागज उद्योग मुख्य रूप से स्थित है? तो मध्य प्रदेश के जो नेपा नगर में है वह अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश में अखबारी कागज के लिए कहां पर है? नेपा नगर। अगर आपसे पूछे नोट प्रिंटिंग प्रेस तो कहां पर है? वह मध्य प्रदेश के देवास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आरंभ किया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आरंभ किया था, तो कौन से मंत्रालय करेगा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ओबीएस है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ये शुरुआत है कौन सा मंत्रालय करेगा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसकी शुरुआत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 में किस टीम ने दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है? तो ब्लू इंडिया द्वारा दिलीप ट्रॉफी 2016 में ये जीता था, ये अभी के लिए हम स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो जो समाज सेवी हैं कैलाश सत्यार्थी, इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी और इन्हें इस कार्य के लिए 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार इनके लिए दिया गया था। और इनके साथ में आप किन को मिला था उनका नाम कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि सन 2014 में
कैलाश सत्यार्थी और इनके साथ में किन्हें संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो आप कमेंट बॉक्स में इनका नाम जरूर लिखिएगा। निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले में बेलसपन सौर परियोजना लगी है, तो बेलसपन परियोजना कहां पर लगी है, मध्य प्रदेश के नीमच जिले में, ये आपको याद रखना है। अभी हम देख क्या है कि ग्वालियर जिले में क्या मनाया जाता है, ग्वालियर जिले में मनाते हैं तानसेन समारोह। कौन सा? तानसेन समारोह, ये याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन था। 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरके में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को कहते हैं। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आई होप ये 25 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगली जो वीडियो होगी, हम कोपा ट्रेड की पूरे 100 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं एक ही वीडियो में। पूरे 100 क्वेश्चन जैसे पेपर में पूछे जाते हैं, हम 2016 की परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप अगर ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आपसे जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।